ये है अपना डे फोर. ओके, व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग बैक ऑन द कोटेक्स वी वर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एंड नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स ऑन द डे फोर. हमारा जो पर्पस था कि हम डेली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे, यही चीज़ करेंगे. और यही प्रॉब्लम आप लोगों की है कि आपके पास कैपिटल अच्छा खासा होता है, $300 $400 बहुतों के पास तो $1,000 भी होते हैं, बट फिर भी वो लॉस कर देते हैं. तो हम इन सारे लूप होल्स को समझेंगे और डेली का डेली प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करेंगे. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉल के लिए जाने वाला हूँ और फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्यों. ठीक है, अभी देखो मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले ली, बट आप अगर ध्यान दो तो थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मैंने मेंटेन किया है. उसका एक रीज़न ये है कि पिछली जो दो रेड कैंडल हैं प्लस उसके पीछे चार ग्रीन कैंडल, ये सारी की सारी कन्फ्यूजिंग पैटर्न है और साथ ही साथ में ये कुछ भी इंडिकेशन नहीं देती. मार्केट अभी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आनी चाहिए और वापस से मार्केट को अब डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि प्रीवियस वाली जो दो कैंडल है ना वो कुछ भी पावर इंडिकेट नहीं कर रही, तो कन्फ्यूजन है कि मार्केट गिर भी सकता है. तो यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं स्मॉल रेड स्मॉल ग्रीन के, थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी इसीलिए मैंने मेंटेन किया. और देखो हम सब की यही स्टोरी है, मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं कि सर मतलब हमारे पास कैपिटल भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बट फिर भी हम मतलब एक दिन प्रॉफिट करते हैं, दो दिन प्रॉफिट करते हैं, तीसरे दिन सब वाइप आउट कर लेते हैं. ठीक है, और मेरा भी जितना, यार ये क्या हुआ, देखो ट्रेड तो अपनी प्रॉफिटेबल हो गई बट यहाँ पे बनी रेड कैंडल है स्मॉल रेड. ठीक है, तो सीधा सा मैं बता दूँ, अगर मार्केट को यहाँ पे अब डायरेक्शन में अभी तुरंत में जाना होता तो यहाँ पे डेफिनेटली वो ग्रीन कैंडल आती जिस पे मैंने ट्रेड किया, और नहीं आई तो यहाँ पे अगर आप मार्टिंगल यूज़ करते कॉल डायरेक्शन के लिए तो देख लेना ये डेफिनेट लॉस चली जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होता तो वहाँ पे वो स्मॉल रेड नहीं आती, वहाँ पे एक थोड़ी एवरेज साइज़ की ग्रीन कैंडल आती. अभी देख लेना ये करेंट वाली भी रेड बनेगी और शायद इसके नेक्स्ट वाली भी रेड बनेगी, मतलब अगली एक दो कैंडल तक मार्केट अगेन रेड में ही रहने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है और यहाँ पे आपके मेजर लॉसेस बन जाते. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब भी बने ना फटाफट उस पेयर को चेंज कर दो, मत रुको, रुकना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है ऐसे पेयर पे ट्रेड करना. और जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हो वहाँ पे बिल्कुल भी ओपनिंग प्राइस पे एंट्री मत लो, थोड़ा सा या तो वीक ट्रेडिंग यूज़ करो या तो MS यूज़ करो, कुछ तो करो ऐसा जिससे कि थोड़े से तो एक्स्ट्रा चांसेस मेंटेन रहें प्रॉफिटेबल होने के ट्रेड के. ठीक है, अभी देखो बहुत सारे लोगों की यही कहानी है कि सब बोलते हैं सर हमारे पास कैपिटल अच्छा होता है बट फिर भी हम एक दो दिन प्रॉफिट करके सारा कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं. तो हमने जब ट्रेड मैंने जब वापस से कोटेक्स पे ट्रेड करना स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जैसा कि तो मैंने बताया था कि मैं छोटा सा कैपिटल यूज़ करके आप लोगों के जैसे एकदम ट्रेड करूँगा, फिर भी डेली प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करूँगा कंसिस्टेंटली. ठीक है, मेरा पर्पस वही रहेगा. तो जो भी बड़ा कैपिटल था मैंने सब हटा दिया, छोटे से ही कैपिटल से अभी आपने देखा हो तो $300 का कैपिटल था और मेरी स्टार्टिंग की ट्रेड थी $15 की. अभी समझ रहे हो आप, $300 के कैपिटल में भी अगर डेली का $50 या $100 का प्रॉफिट हो जाए तो नॉट बैड. ओके, 20-25 हज़ार के कैपिटल में डेली का अगर 4,000 या 8,000 ऐसा करके प्रॉफिट निकल आए ऑन द डेली बेसिस तो क्या ही बुरा इसमें, ये एक नौकरी से तो ज़्यादा ही है ना. अभी देख लो, बट यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट को भी यूज़ किया प्रॉपर तरीके से. मैं छोटे कैपिटल को ही मल्टीपल टाइम्स में रन करने वाला हूँ, ना कि अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा बड़े से इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा. मैं $300 के कैपिटल में $15 में यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हो. ठीक है, तो अभी हम चेंज कर लेंगे फटाफट पेयर को. वैसे भी करंट वाले पेयर में डेड कैंडल्स आना स्टार्ट हुई जिसका कोई सेंस नहीं बनता, इधर कोई सेंस नहीं बनता ट्रेड करने का, तो हम इसको चेंज कर देंगे फटाफट. और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, मतलब जब भी मैंने कोटेक्स में अभी रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने कहा था ना कोटेक्स का OTC पॉकेट ऑप्शन का OTC मतलब बहुत मेजर डिफरेंसेस है, बहुत.
ठीक है, तो कोटेक्स के ओटीसी में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्राइस को समझना पड़ेगा, आपको बनती भी हर कैंडल्स को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही बस रैंडम डिसीजन नहीं बना सकते ट्रेड के लिए, और रैंडम डिसीजन बना भी रहे हैं तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस को मेंटेन करिए। जैसा कि मैंने कहा, विक ट्रेडिंग यूज़ करो या तो MSCI यूज़ करो, बट ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा दूर हटके ट्राई करना। अगर आप देखो ऐसी डेड साइजेस की कैंडल के आस मतलब ऐसी सिचुएशन में तो ट्रेड करने लायक ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में तो फटाफट पेयर को ही चेंज करो, ठीक है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ऐसी सिचुएशन में आप लगे ही रहो, पेयर चेंज कर लो, बहुत सारे पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कुछ अच्छा सा पेयर। यहाँ पे अपने को एक एंट्री मिल रही है और मैं पुट के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए दो ट्रेड ले ली, मतलब पुट डायरेक्शन के लिए। मार्केट बहुत कंफ्यूज कर रहा था, मतलब ऐसे दिखा रहा था जैसे कि डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल ही बननी है यहाँ पे, बट नहीं बन सकती यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल ही आनी है और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस कर लिया यहाँ पे एक की लेवल था। अगर रिस्पेक्ट देना होता, मतलब की लेवल नहीं था, एवरेज लेवल था, और मार्केट को अगर रिवर्स करना होता तो वो वहाँ पे कर लेता, उसको ब्रेक नहीं करता। और ब्रेक किया है तो उसका टारगेट क्या है, उसके बॉटम वाला लेवल, ठीक है। तो मार्केट को एटलीस्ट उस लेवल तक तो जाना ही है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने ही। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई, यहाँ पे हमने दो ट्रेड ली थी, फर्स्ट वाली ट्रेड में एक ट्रेड ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी टोटल जो दो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं और हम $39 के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये लेवल था। मार्केट को अगर रिवर्स करना होता तो इसी लेवल के पास से रिवर्स कर लेता, नहीं किया, कंटिन्यूशन दिखाया। तो इसका मतलब क्या, सीधा सा कि इसके नीचे का जो बॉटम का लेवल है मार्केट उधर तक ट्रैवल करेगा और वहाँ से, ये देख रहे हो ये बॉटम का लेवल। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल आ सकती है, अगर ऊपर नहीं आई तो नीचे आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा कन्फर्मेशन ये है कि जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल है ना, जो करंट वाली की प्रीवियस, उसके टॉप में विक है ना कि बॉटम में, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो देगा ही देगा। तो करंट वाली डेफिनेट एक स्मॉल ग्रीन या एवरेज तो नहीं बनेगी, स्मॉल ही बन रही है, तो इस ठीक है। और यहाँ पे मैं पुट के लिए जाने का सोच रहा हूँ अगेन, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले ली, ठीक है। स्मॉल ग्रीन बनी है तो कोई स्टेबिलिटी तो दिखी नहीं मुझे, तो मेरे हिसाब से एक फॉलोइंग रेड कैंडल तो आनी चाहिए और डेफिनेट आनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राइस को पकड़ते हुए, ठीक है, मैंने एंट्री ले ली पुट के लिए। बट थोड़ी सी मेरी एंट्री ख़राब है, उसका कुछ नहीं कर सकते, हो गई तो हो गई। पहली ट्रेड में हमने $15 इन्वेस्ट किए, सेकेंड ट्रेड में हमने $30 इन्वेस्ट किए और थर्ड ट्रेड में हमने $45 इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो उसी $15 के कैपिटल को ही मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब एज इट इज़ मैं बैकअप में छोड़ रखा हूँ। और ये ट्रेड अपनी लॉस में जाती दिख रही है, जो कि हो गई, ठीक ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ये जो सिचुएशन अभी मेरे साथ हुई है, आप लोगों के साथ बहुत बार हुई होगी, है ना। मतलब आप जैसे अभी मैंने तीन ट्रेड किया, तीन में से मेरी दो प्रॉफिटेबल थी, एक लॉस थी, और फिर भी स्टिल मैं लॉस में हूँ। मतलब कितने, $6 के लॉस में, $300 का अपना स्टार्टिंग कैपिटल था, $6 के अभी भी लॉस में, है ना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि अब पांच ट्रेड आपने ली, चार ट्रेड प्रॉफिटेबल थी और एक ट्रेड लॉस हो गई, और उसी एक ट्रेड की वजह से आप स्टिल लॉस में चले गए, है ना। तो देखो ये चीज़ें समझने में बहुत डीप है। या तो आप बड़ा कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो फिर एक्यूरेसी मेंटेन करो, मैनेजमेंट को मेंटेन करो। और अगर आपको ऐसे मतलब अभी जैसे मेरा केस देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कैपिटल तो $300 का था, ठीक है। ये देख लो आप ट्रेड हिस्ट्री, पहली और सेकंड में मैंने दो ट्रेड ली थी, वो भी प्रॉफिटेबल, लास्ट की तीन ट्रेड जो मैंने ली, मतलब थर्ड ट्रेड पे ही सब चापत हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्मॉल अमाउंट को रन कर रहा था,
ठीक है, मैं $15 को ही रन कर रहा था, आप समझ रहे हो, तो $4-5 का जो लॉस है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को समझो, जब आप इस तरह से ट्रेड करो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कैपिटल का छोटा हिस्सा रन करो और उससे प्रॉफिट जनरेट करो। आप कैपिटल का बड़ा हिस्सा यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी और आपकी ट्रेड बहुत करेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो, आपके मेजर लॉसेस का रीज़न यही है। और यहाँ पे हम थोड़ा रिकवर कर लेते हैं, बस बहुत हुई नौटंकी, अभी हम यूज़ कर लेंगे अपने बैकअप का जो अपने पास कैपिटल बचा है। तो हम यहाँ पे इस खेल को ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए एंट्री ले ली $94 से, ठीक है। अपने पास $94 एक्स्ट्रा था, $300 के कैपिटल में 200 को हमने सेव कर लिया। और देखो यहाँ पे $94 का इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया कि यहाँ पे मेरे को ओवर ट्रेडिंग की नौटंकी नहीं करनी थी, ठीक है। कि मतलब तीसरी ट्रेड पे सारी पिछली दोनों ट्रेड की मेहनत ज़ीरो हो गई, और फिर से वहाँ तक पहुँचने के लिए 10 ट्रेड और करनी पड़े, 3 ट्रेड और करनी पड़े, 5 ट्रेड और करनी पड़े, वो नौटंकी मुझसे नहीं होती, ठीक है। मैं बहुत चूज़ी हूँ और मैं बहुत डिसिप्लिन भी हूँ, मैं ओवर ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए मैंने अपने कैपिटल में जो मेरा बैकअप पड़ा हुआ है उसको मैंने यूज़ कर डाला, और मेरी एक्यूरेसी उतनी भी ख़राब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड डेफिनेट प्रॉफिटेबल जाएगी, जो कि जा भी रही है। तो $94 से हम जहाँ से ख़त्म हुए थे हम उससे ज़्यादा पे आएंगे, देख लेना। ये देखो $300 के कैपिटल, $75 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, वो भी कितना, 4 ट्रेड के अंदर। 4 ट्रेड में 3 ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है, एक अपनी लॉस थी, उस ट्रेड में तो मेजर लॉस हो गए थे, कोई बात नहीं, हम रिकवर करके अगेन प्रॉफिट आ गए। वो जो भी प्रॉफिट अपना गया था हम उसको वापस ले आए और यहाँ पे काम आया अपना बैकअप। अभी टोटल हमने 4 ट्रेड की, 4 में से 3 प्रॉफिटेबल, 1 लॉस, जो कि ये 15 15 15, मतलब जो थर्ड वाली ट्रेड में हमने 3 ट्रेड ली थी ना, वैसे मुझे रेड रेड देख के बहुत बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, जो कि हो गया, ठीक है। तो आप लोग भी फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको अगर मेरे सिग्नल चाहिए, मेरे लॉसेस बहुत कम होते हैं, मैं डायरेक्ट स्योर शॉट ट्रेड देता हूँ और स्योर शॉट ट्रेड ही करता हूँ, मार्टिंगल के चक्कर में कभी जल्दी नहीं पड़ता और ना ही मेरी आदत है। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और जो कॉन्सेप्ट और जो मैनेजमेंट के बारे में मैंने समझाया बताया उस पर आप ज़रा फोकस करना, ठीक है। तो कहानियों को वापस से रिपीट मत करना, एक नई शुरुआत करना।